अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इफ्तिखार हुसैन है और मैं आज आपके लिए लाया हूँ वैक्यूम रिएक्शन सिस्टम और पेनस इनलार्जमेंट पंप। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो फेक पंप सेल कर रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। मेरी आप लोगों से गुजारिश होती है, मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूँ और लोगों को बता चुका हूँ कि ओरिजिनल पंप आप कहाँ से बाय कर सकते हैं और उसकी पहचान क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ओरिजिनल पंप है वो एम्फा इंटरनेशनल कंपनी है एक पाकिस्तान की, ये बनाती है। ये आप देख लें, ये ओरिजिनल पंप बनाती है। इसके अलावा पाकिस्तान में जितने भी पंप सेल हो रहे हैं, ये मैनुअल पंप जो है वो फेक सेल हो रहे हैं। और मेरी ये गुजारिश है दोस्तों से कि वो कोई भी पंप बाय करें तो वो ओरिजिनल पंप सिर्फ बाय करें। ये कंपनी एक साल की वारंटी देती है और इसका पूरा फीडबैक मिलता है। इसके आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, वैक्यूम रिएक्शन सिस्टम इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और पेनस इनलार्जमेंट पंप क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वैक्यूम रिएक्शन सिस्टम का तरीका क्या है। तो उसमें क्या होता है कि जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके लिए इंटरकोर्स करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है जी। ये पंप नॉन सर्जिकल और नॉन मेडिकेटेड सोल्यूशन है जिससे आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। ये हमारा एक एसेसरीज़ के साथ ये पंप तैयार हो गया, ठीक है जी। ये लोडिंग कोन होती है, इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। लगाने के बाद ये रिंग हम जो है यहाँ से स्लिप करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। ये चूँकि मेरी रूटीन है रोज़ाना लगाने की, तो मैं ये इसी तरह लगा लेता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। ये पंप यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद ये दो स्लीव हैं, सॉरी ये रिंग यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये दो स्लीव हैं, दो साइज़ हैं। ये आप चाहे इसको ऐसे लगा लें, ठीक है, एक साइज़ लगा लें। अगर आपको फिर भी ये खुला साइज़ हो तो फिर आप ये दूसरी भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये लुब्रिकेशन है, लुब्रिकेशन भी हमेशा अच्छा इस्तेमाल करें। ये जर्मनी का लुब्रिकेशन आता है, ये इस्तेमाल करें, या फिर यूएसए का लुब्रिकेशन आता है। लोकल लुब्रिकेशन यूज़ नहीं करें, चूँकि हमारे पास बड़ी कैंस में आते हैं तो ये पैकिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। ये पार्कर की है, इस बार पार्कर की जो है ना वो पैकिंग आई थी हमारे पास। अच्छा, अब आप इसमें ये सिलिकॉन के चार रिंग आते हैं इसके साथ, ये देख लें, तीन डिफरेंट साइजेस हैं इसमें। आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, ये आपका एक रिएक्शन सिस्टम के लिए ये आपका पंप तैयार हो गया। यहाँ से आपने पेनस इंसर्ट करना है, यहाँ से आपने पंपिंग करनी है। तक हार्डली 12 से 15 पंप करने में ब्लड का फ्लो पेनस के अंदर आ जाएगा और आपकी जो इरेक्शन है वो बहाल होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपका इरेक्शन बहाल हो, आप मतलब इंटरकोर्स के लिए रेडी हो जाएं, तो आपने ये क्या करना है कि ये रिंग्स हैं इनको थोड़ा सा पुश करना है तो ये पेनस की बेस के ऊपर आ जाएंगे। फिर ये पंप का बटन आपने दबा देना, ये दबाएंगे अंदर से सारा प्रेशर ख़त्म हो जाएगा और ये सिलेंडर आसानी से उतर आएगा और ये जो इरेक्शन को रिटेन करके रखेगा रिंग, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ साइज़ आते हैं, कुछ खुले हैं कुछ बारीक हैं। आपने क्या करना है जब इसको यूज़ करना है, यूज़ करने से पहले आपने अच्छी तरह से अपनी जो टारगेट एरिया है उसको वॉश कर लेना है और कोशिश कीजिएगा कि आपके जो बाल हैं वो वहाँ पर ना हों। और बाकी तरीकाकार इसकी कैटलॉग के अंदर लिखा है, अबमा पिक्चर्स वो सब कुछ बना हुआ है, वो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अभी हमने उर्दू में भी ये लिटरेचर छपवाए हैं, तो अगर आपको उर्दू में भी लिटरेचर चाहिए होगा तो वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप अथेंटिक कंपनी की बाय करें, ना कि आप किसी फेक या चाइना की कंपनी से बाय करें, ठीक है। ये सिलिकॉन के रिंग हैं, ये रिंग बड़े ही सॉफ्ट होते हैं और ये ज़्यादा पेन भी नहीं करते। तो मेरी ये दोस्तों से गुजारिश है, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और ओरिजिनल प्रोडक्ट को बाय करें। और बाकी आपने कुछ सवाल करना हो, जवाब कर किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यूट्यूब के चैनल को विज़िट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर हमारी सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। अस्सलामुअलैकुम।